सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीएसीजी टेक को और क्लिक कीजिए बेल आइकन को रोज कुछ नया सीखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका जीएसीजी टेक में। दोस्तों, मैं हूं गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं कोरल ड्रॉ एक्सेबल ट्यूटोरियल इन हिंदी पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको दोस्तों कोरल ड्रॉ को ओपन करना और पेज सेटअप के बारे में बताया था, साथ ही क्या नया है एक्सेबल में इसके बारे में भी बताया था। आप अगर एक नया डॉक्यूमेंट लेना चाहते हैं तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप वेलकम स्क्रीन से गेट स्टार्टेड में जाके वहाँ से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके भी ले सकते हैं, या तो फाइल पे क्लिक करें वहाँ से भी आप न्यू ले सकते हैं, या तो दोस्तों कंट्रोल एन दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको न्यू का आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्लिक करके आप एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। हमारे सामने एक नया डॉक्यूमेंट खुला हुआ है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, उसी तरह से हमने एक डॉक्यूमेंट ले रखा है। दोस्तों, अगर आप कोई भी टूल्स नहीं लेते हैं पिक टूल को छोड़ के, यहाँ पे हमने पिक टूल ले रखा है, तो आप देखेंगे कि हमारा जो प्रॉपर्टी बार है वो अभी पेज की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो पेज की प्रॉपर्टी दिखा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आप डॉक्यूमेंट लेने के बाद भी अपने डॉक्यूमेंट के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप साइज चेंज कर सकते हैं, अगर अलग तरह का साइज चाहिए तो आप यहाँ से ले लें, अगर कस्टम साइज की जरूरत है तो आप इन बॉक्सेस पे अपने हिसाब का जितना भी विड्थ और हाइट चाहिए वो टाइप करके ले सकते हैं। यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन मिल जाता है दोस्तों, पोर्ट्रेट, आगे बढ़ेंगे तो लैंडस्केप, अगर आप चौड़ाई में चाहते हैं पेज को तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, पेज आपकी चौड़ाई में आ जाएगी। इन दोनों टूल्स के बारे में बता दें कि ये हैं आपके ऑल पेजेस, यानी अगर आप इस मोड पर रहेंगे तो अगर आप लेते हैं यहाँ से लैंडस्केप तो सारे पेजेस लैंडस्केप हो जाएंगे, और अगर आप पोर्ट्रेट लेते हैं तो सारे पेजेस पोर्ट्रेट हो जाएंगे, अगर आपने एक से ज़्यादा पेजेस ले रखे हैं डॉक्यूमेंट में। अगर एक से ज़्यादा पेजेस लेना हो तो यहाँ पे आप देखते होंगे प्लस बटन दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करें, आपको ढेर सारे जितने भी डॉक्यूमेंट लेने हैं इसके अंदर वो सारे पेजेस यहाँ पे नजर आएंगे। अब सबका ओरिएंटेशन एक जैसा हो जाएगा अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को लेते हैं ऑल पेजेस को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई पोर्ट्रेट रहे कोई लैंडस्केप रहे तब आप इस ऑप्शन को क्लिक कर दें। इस पे क्लिक करने के बाद आप जिसे चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए लैंडस्केप है लेकिन इसे हम पोर्ट्रेट कर देते हैं। दूसरे पेज पे चलते हैं, ये देखिए वापस लैंडस्केप में ही है, यहाँ पर भी लैंडस्केप है, तीसरा चलिए इसे भी पोर्ट्रेट कर दिया हमने, ये पोर्ट्रेट है, दूसरा हमारा लैंडस्केप है, तीसरा हमारा ये देखिए वापस पोर्ट्रेट है। लेकिन अगर आप इस ऑप्शन को लेते हैं ऑल पेजेस पे क्लिक किया हमने, और अगर सपोज दैट हम ले लेते हैं लैंडस्केप, अब देखिए पेज 1 लैंडस्केप, पेज 2 लैंडस्केप, पेज 3 लैंडस्केप, मतलब सारे पेजेस लैंडस्केप में आ गए। तो आपको जैसी जरूरत रहे वैसा आप यहां से चुनाव कर लें। इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको यूनिट मिल जाएगा, आप जिस यूनिट का भी इस्तेमाल करना चाहें वो आप यहां से ले सकते हैं। अगर छोटे ड्राइंग बना रहे हैं तो मिलीमीटर वगैरह का लीजिए, बड़े ड्राइंग बना रहे हैं तो फीट यार्ड वगैरह ले सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे नज का सेटिंग दिया हुआ है, जिससे आप सेट करके अपने ऑब्जेक्ट को अगर कीबोर्ड से मूव करते हैं यानी एरो का इस्तेमाल करके, तो वो कितना घिसकेगा वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मिनिमम रखा है ताकि एकदम हल्का सा वो घिसके, अगर 1 इंच 1.5 इंच रखेंगे तो काफ़ी दूर चला जाएगा। यहाँ से एक्स और वाई एक्सेस दिया हुआ है, और साथ ही यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फिल। आप पेज मेकर में आपको याद होगा, अभी हम इसे हटा देते हैं। अब हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे रेक्टेंगल हमने ले लिया और इसे क्लिक करके ड्रॉ कर लिया। इसके बाद हम पिक टूल ले रहे हैं, पेज में कहीं भी क्लिक कर रहे हैं ताकि इसका सिलेक्शन हट जाए। अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्लिक करते हैं कहीं भी, ये देखिए सिलेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसके बॉर्डर पे जाके अगर हम क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। यही ऑप्शन अगर हम यहाँ पे, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे तो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी बार आ जाएगा, जी हाँ पेज प्रॉपर्टी बार। पेज प्रॉपर्टी बार में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है ट्रीट ऑल ऑब्जेक्ट एज फील्ड, इस पे अगर हम क्लिक कर देते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट में अगर हम क्लिक करते हैं कहीं भी तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट को ऐसा मानेगा जैसे उसके अंदर रंग भरा हुआ हो, हालांकि कुछ नहीं भरा हुआ है लेकिन वो मान के चल रहा है कि भरा हुआ है, जिससे हम कहीं भी क्लिक करें तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बाकी ऑब्जेक्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। पिक टूल आपने देख लिया, इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाते हैं रेक्टेंगल, नीचे आते हैं तो एलिप्स, उसके नीचे पॉलीगन, और इनमें आपको छोटे छोटे ट्राइंगल मिलेंगे। इसका मतलब है अगर आप इन्हें दबा के रखेंगे थोड़ी देर तो आपको और भी टूल्स इसके अंदर मिलेंगे, जैसे पॉलीगन के अंदर भी है, लिप्स के अंदर भी है। चलिए ये देखिए पॉलीगन के अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको, अलग अलग शेप मिल जाते हैं जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो आप अगर उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट चाहते हैं तो उस पर दबा के रखें तो वो खुल जाएगा,
चलिए हम पॉलीगन ड्रॉ कर लेते हैं, इलिप्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ करने के बाद आप पिक टूल ले लें। पिक टूल लेने के बाद आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उस पे आपको यहाँ पे रिसाइज कॉर्नर और हैंडलर नजर आने लगेंगे। इसी तरह हर ऑब्जेक्ट पे मिलेगा। इनका इस्तेमाल करके आप अपने ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए हमने छोटा किया और इसे बड़ा किया। अगर हमें चौड़ाई में चाहिए चौड़ाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए अगर ऊंचाई कम ज़्यादा करना हो तो यहाँ से ऊंचाई को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को कहीं ले जाना हो दोस्तों तो ऑब्जेक्ट के बीच में माउस को लाइए, फोरहेड एरो बनेगा, दबाइए और कहीं भी उठा के आप ले जा सकते हैं, किसी जगह पर भी उसे फिट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट आप इस तरह से ले जा सकते हैं। ये देखिए आसानी से चला जाएगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे एक बार और आप क्लिक कर देते हैं, जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन नजर आ रहा है, फिर एक बार और क्लिक कर देंगे तो ये रोटेट और स्क्यू में चला जाएगा। इसका मतलब हम इसे घुमा सकते हैं और झुका सकते हैं। यहाँ से आप इसे झुका सकते हैं और अगर घुमाना हो तो किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, ये देखिए कॉर्नर में कहीं भी चले जाएं, इसे आप घुमा सकते हैं। क्लिक किया हमने, फिर एक बार और क्लिक किया और इसे देखिए ऐसा घुमा सकते हैं कहीं भी। अगर आप सेंटर से चाहते हैं तो इस पॉइंट को सेंटर पे रहने दें, अदरवाइज इस पॉइंट को आप कहीं दूसरी जगह ले जाएं, ये वहां से मूव करेगा। जैसे यहाँ पे हमने रखा, अब अगर हम रोटेट करते हैं तो ये इसी पॉइंट को मानेगा और इसी के आसपास मूव करेगा। इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाते समय आप कहाँ रखना चाहते हैं लॉक पॉइंट को, उसका सेटिंग आप तय करते हैं, ऑब्जेक्ट अपने आप तय नहीं करता। तो इसी तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट में आप क्लिक करें आपको रोटेटिंग पॉइंट मिल जाएगा, उसके बाद आपको लॉक पॉइंट भी मिल जाएगा, उसे आप लॉक करें और अपनी इच्छा अनुसार जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं। अब अगर इसमें कलर करना हो दोस्तों तो क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर पैलेट मिल जाता है, बगल में कलर पैलेट होगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो नो प्रॉब्लम, आप विंडो में जाएं, यहाँ से कलर पैलेट में जाएं और यहाँ से आप कलर पैलेट को ओपन कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे डिफॉल्ट पैलेट है, CMYK कलर पैलेट और RGB कलर पैलेट। अगर आप ऑनलाइन के लिए तस्वीरें बना रहे हैं तो RGB लीजिए और अगर आप ऑफलाइन प्रिंट करना चाहते हैं तो CMYK का चुनाव करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कलर पैलेट है, अभी फिलहाल हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ इस कलर पैलेट में हम जिस रंग पे भी क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक, वो इसमें फिल हो जाएगा। ये देखिए इस पे क्लिक किया हमने, लेफ्ट क्लिक कर रहे हैं तो ये इसके अंदर फिल हो जा रहा है। जो भी कलर पे हम क्लिक करेंगे वो उसके अंदर फिल हो जाएगा। ये तो हो गए ऑब्जेक्ट या शेप्स। अगर आप लिखना चाहते हैं दोस्तों तो जस्ट पॉलीगन के नीचे आपको टेक्स्ट टूल मिल जाता है, इस पे क्लिक करें। इसका शॉर्टकट F8 होता है। इस पे क्लिक करने के बाद इसके दो मोड होते हैं, एक होता है आर्टिस्ट मोड और दूसरा होता है पैराग्राफ मोड। पहले आर्टिस्ट मोड अगर आपको यूज करना हो तो बस पेज पे आके क्लिक कर दें, आपको एक कर्सर दिखेगा, आप टाइप करना चालू करें, ये आपका आर्टिस्ट मोड हो गया। लेकिन यही अगर आप क्लिक करते हैं, होल्ड करते हैं और ड्रैग करते हैं तो एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, ये आपका पैराग्राफ है। अगर इसे हम जूम करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे अब हम लोग कुछ लिखेंगे तो ये पैराग्राफ की तरह यूज होगा। दिस इज ए सैम्पल टेक्स्ट बॉक्स। अब अगर आप इसके कॉर्नर को खींचते हैं तो आपका टेक्स्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आप टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हैं तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों ऊपर में आप देखेंगे कि आपका प्रॉपर्टी बार बदल चुका है, वो टेक्स्ट टूल में बदल चुका होगा। उस पर आप क्लिक करके फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जैसा फॉन्ट चाहें वो आप ले लें और यहाँ से आप साइज भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन आप पिक टूल को लेने के बाद अगर आपने जो लिखा था आर्टिस्ट मोड में, ये देखिए आर्टिस्ट मोड हमारे पास है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट की तरह पॉइंट बनेंगे जिन्हें आप क्लिक करके होल्ड करके ड्रैग करते हुए सीधा इसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे आप इसे चिपटा भी कर सकते हैं, लंबा गोल घुमा भी सकते हैं इसे। ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है। कोरल ड्रॉ में यही सबसे अच्छी खूबी है कि आप टेक्स्ट को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आप आर्टिस्ट मोड में रहते हैं तब। अगर आप चले जाते हैं पैराग्राफ मोड में तो फिर आपको वैसे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा जैसे पैराग्राफ के साथ आप वर्ड एक्सेल वगैरह में इस्तेमाल करते थे। अब इसमें भी अगर आपको कलर भरना है तो सेम वैसे ही इस पे क्लिक करें, कलर पे क्लिक करें, आपका कलर उसमें फिल हो जाएगा। सेम इसमें भी वही होगा दोस्तों, कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप कुछ विशेष पे फिल करना चाहते हैं, बाकी को छोड़ना चाहते हैं, तो वापस टेक्स्ट टूल लें, सेलेक्ट करें, जैसे हम चाहते हैं कि आर हमारा दूसरा कलर में हो तो क्लिक करेंगे और आर को सेलेक्ट करेंगे, फिर कोई दूसरा कलर हम ले लेंगे। तो ये देखिए हमारा आर्ट में आर अलग कलर का हो गया। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि यहाँ सैंपल जो है वो अलग कलर में आए तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, होल्ड किया और इसे सेलेक्ट कर लिया और फिर किसी दूसरे कलर पे हम क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे ये अलग कलर हो जाता है। इस तरह से आप अलग अलग कलर भी कर सकते हैं इसमें।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से कोरल ड्रॉ में हम लोग शेप बना सकते हैं, उसे किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, यानी उसमें स्केलिंग कैसे करेंगे, छोटा बड़ा कैसे करना है, इसके अलावा उसे हम लोग रोटेट कैसे करेंगे, स्क्यू कैसे करेंगे, उसमें कलर फिल कैसे करेंगे, है ना, ये सारा हमने आज के वीडियो में जाना। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों इससे आगे के टॉपिक पे हम बात करेंगे। अगर ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, साथ ही दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप में शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।